وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। इससे पहले कि खाकसार जो है किसी और दोस्त की तरफ जाए, एक बहुत ही अहम ऐलान खाकसार जो है वो करना चाहता है। हमारे ख़ास तौर पे जो अहमदी भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो ये कि खाकसार जो है वो आज आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब उसको मुतारिफ करवाना चाहता है। और ये किताब जैसा कि आपको मैं अभी दिखलाता हूँ, ये किताब प्यारे भाइयों तकरीबन 1000 मेरा ख्याल 50 सफ़ात की ये किताब है और इसका नाम है राहे हक। ये हमारे कनाडा के दोस्त हैं सैयद सलीम अहमद साहब, इन्होंने ये बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी है। और इस किताब की खूबी ये है कि मोहतरम जंबा साहब के जितने भी एतराज़ात जो हैं इनमें से तकरीबन हर एतराज़ का मोहतरम हमारे जो भाई हैं इन्होंने बड़ा ही मुदल्लल जवाब दिया है। और मैं जल्दी से लिए चलता हूं इसका जो इनका नाम है, ये सैयद सलीम अहमद साहब टोरंटो कनाडा से इनका ताल्लुक़ है। खाकसार इस किताब को इस वीडियो के साथ नीचे एक लिंक देगा और उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये किताब भी आपके सामने खुल जाएगी। आप इसको बेशक डाउनलोड करें, जिस तरह मर्जी तकसीम करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैंने मोहतरम हमारे जो दोस्त हैं उनसे इसकी इजाज़त ले ली हुई है। और अल्लाह ताला, और लेकिन जब आप करें तो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि उन हमारे जो भाई हैं उनको ख़ास तौर पर अपनी दुआ में याद रखिएगा, इसलिए कि बड़ी मेहनत से उन्होंने ये किताब तैयार की है। आप ये देखें, इसमें कोई भी, मैं को हल्का हल्का से इसको मैं चलाता हूँ। ये देखें, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दावे, एतराज़ात, जवाबात, यानी, और फिर मसीह व महदी दो वजूद, जो भी आज हम बात कर रहे थे उसका जवाब। इसी तरह मसीह वसलाम के ऊपर ये एक जंबा साहब बार बार कहा करते हैं जी इज्तिहादी गलती आपसे हो गई, उसका जवाब। और इसी तरह पेश कोई मुस्लिम मऊद, इल्ज़ामात और उनके जवाब। फिर इसी तरह आगे चलें प्यारे भाइयों, तो ये तकरीबन, जिस तरह मैंने कहा ना, तकरीबन तमाम सवालात जो कि जंबा साहब बार बार वही सवालात दोहराते रहते हैं, उनके मुदल्लल जवाबात ये दिए गए हैं। मसलन ये कहते हैं जी हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में कि उनकी नौज़ुबिल्लाह शहरक कट गई थी वगैरह वगैरह, झूठे तौर पर एक बात बयान करते हैं कि गोया उनको कोई सज़ा मिल गई थी, हालांकि हरगिज़ कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो बाहवाला हमारे दोस्त ने इस बात को साबित किया है। इसी तरह जो उम्मत मुसलमा में कोई दोस्त कुछ कहना चाहते हैं, मुझे हल्की सी आवाज़ आई थी जी। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस हमारे जो सलीम अहमद साहब हैं जो इस किताब के मुसन्निफ हैं, वो उनकी जो ये तवज्जो पैदा हुई है इस तरफ, वो मैं जरा थोड़ा सा सामने को बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने जंबा साहब का जिक्र पहले भी सुना हुआ था, ऐसे ही दीगर अहबाब का भी सरसरी सा तारफ हासिल था, मगर कभी इन अहबाब के बारे में तफसील के साथ जानने की कोशिश नहीं की थी। मार्च 2014 में के शुरू में एक बड़े ही दिलचस्प हादसा का नतीजा में मेरी मुलाकात मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब के एक मुरीद से हुई। ठीक, इन साहब ने बड़े ही दर्द से और दुख के साथ मुख्तलिफ बातें बयान की और ये भी बताया कि इस वक्त निज़ाम जमात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब में निज़ाम जमात जो है वो तहरीफ कर रहा है हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब में। ठीक, अपनी इस बात के सबूत में उन्होंने मुझे हजूर की किताब अल-वसीयत निकाल कर दिखाई और दिखाया कि इसमें से एक बहुत अहम पैरा निकाल दिया गया है। इन्होंने मुझे जो किताब दिखाई इसमें वाकई वो पैरा मौजूद नहीं था। अब दोस्त समझ रहे होंगे कि वो ये लोग क्या करते फिर रहे हैं। बहरहाल आगे फरमाते हैं कि मेरी दरख्वास्त पर मुतल्लका हिस्सा के सफात मुझे मुहैया कर दिए गए और मैंने इस किताब अल-वसीयत को ऑनलाइन जाकर चेक किया तो वहां वो हिस्सा मौजूद था। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा, फिर फरमाते हैं कि फिर मैंने इस किताब के मुख्तलिफ एडिशन चेक किए, जो किताब वो दिखा कर गए थे इसके बाद के एडिशन भी चेक किए और हर जगह वो मुझे वो पैराग्राफ मौजूद मिला। इस सारी तफ्तीश के बाद मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि ये कोई गहरी शरारत की जा रही है। वो तमाम अहबाब जिन्होंने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब का मुतालिया किया है वो जानते हैं कि अगर कहीं सहो किताबत की गलती किताबत की वजह से कोई लफ्ज गलत लिखा गया है तो जमात ने आज तक उस लफ्ज को दुरुस्त नहीं किया। वो लफ्ज वैसे ही लिखा जाता है और नीचे हाशिया में इसकी जो भी वजाहत मतलूब हो कर दी जाती है। वो जमात जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तहरीरात के सिलसिला में इस कदर मोहतात है वो इस तरह की हरकत हरगिज नहीं कर सकती। नीज कोई चाह कर भी ये नहीं कर सकता क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम की तमाम कुतुब हर अहमदी के घर में मौजूद है, बल्कि जमात अहमदिया के मुखालफीन के पास भी हजूर की कुतुब मौजूद हैं। इसके बाद मैंने मजीद तसल्ली के लिए आला अहदेदारान से राब्ता किया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये किसी की शरारत है, इसकी तहकीक जारी है। तो ये वो वजह बनी उनकी तवज्जो की और वो अल्लाह ताला के फजल से खुदा ताला ने उनको इस कदर तौफीक दी, इस कदर तौफीक दी, अल्लाह ताला उनको बेइंतहा जजाय खैर दे कि उन्होंने एक ऐसी मुदल्लल किताब जो है वो फराहम कर दी लोगों के लिए कि ये जो फ्रॉड और धोखादही और शरारतन इस तरह की हरकतें करते हैं उनकी असलियत जो है वो लोगों के सामने उन्होंने लाकर खड़ी कर दी। देखें वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि मेरा इल्म वाजबी सा था और मैं बिल्कुल मतलब इस किस्म का मेरा इल्म नहीं था कि मैं इतने हवाला जात इकट्ठे करके और इतने मुदल्लल जवाबात जो है वो मैं इकट्ठे कर सकता। लेकिन खुदा ताला देखें जिसको तौफीक देता है, जिसको तवज्जो पैदा करता है तो उसकी मदद किस तरह करता है और किस तरह खुद उसके सामने हाथ शाना पेशाना खड़ा हो जाता है और इस किस्म की जो है वो दलाइल जो है वो दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। वही जो मैंने पहले हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जो तहरीर पढ़ी थी वो बिल्कुल सच्ची साबित हुई कि दलाइल से जो है वो मुंह बंद कर दिए हैं अक़वामे आलम के। जी बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। जी मेरे भाइयों ये छोटा सा ये तारफ़ था मोहतरम मुबारक साहब ने उस किताब का करवाया। मैं थोड़ा सा और इस किताब के एक आधा सिर्फ बात आपको दिखलाऊंगा, उसके बाद एक और एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है वो आपको बतलाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये एक और बहुत ज़्यादा जंबा साहिब जो हैं ये इतराज़ करते हैं कुदरत सानिया पर, जमात अहमदिया के निज़ाम पर, ये उसके जवाबात हैं। ये तकरीबन मैं कहता हूँ कि तकरीबन जो जंबा साहिब के जो एतराज़ात हैं उन सब का जवाब हमारे प्यारे मोहतरम भाई ने ये दिया है। और जिस तरह खाकसार आपको बतला रहा था ये किताब 1000 और ये देखें 1050 सफ़हात के करीब ये किताब है। और बिल्कुल आखिर में प्यारे भाइयों, क्योंकि हमें पता है कि जो जंबा साहिब के मानने वाले हैं, जो जंबी हजरात हैं, ये हर उस बंदे को उस ग्रुप से निकाल देते हैं अपने ग्रुपों से जिनके बारे में कोई शक व शुबा हो जाए कि जी इसको उस बंदे को इनकी असलियत का पता है, लेकिन बाकियों के सामने ये डींगे वगैरह मारते रहते हैं। तो या तो अगर ये आपको अपने ग्रुपों में ऐड करें तो इनका ग्रुप लेफ्ट कर दें, या इनको ये कहें कि खाकसार के बारे में कहें, दूसरे अहबाब जिनके बारे में आपको अगर पता हो कि वो इनके बारे में जानते हैं, इन्हें कहें कि उनको भी अपने ग्रुप में ऐड करो, फिर हम आप लोग आपस में गुफ्तगू करो, हम सुनते हैं। और तीसरा तरीका ये है, अगर ये फिर बार बार आपको ऐड करें तो ये एक किताब है जो कि हमने पहले भी मुतारफ़ करवाई थी, हमारे कनाडा के दोस्त हैं शाह साहिब, उन्होंने ये लिखी है, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। तो प्यारे भाइयों आपने करना क्या है, जो भी ये लोग एतराज़ करें आप इसके इंडेक्स में जाएं, उस एतराज़ को यहाँ पे चेक करें, सफ़ा देखें और वो सफ़ात अपने कैमरे के ज़रिए उसकी पिक्चर लेके इनके ग्रुप में लगा दें कि वो, और इस तरह से आपके तरफ से ये जवाब हो जाएगा इन अहबाब को। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप अहबाब इस तरह से जंबा जो जंबी हजरात हैं उनको जवाब देंगे तो ये या तो आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे या क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि आपके पास तो जवाब मौजूद हैं, या मुमकिन है कि आपकी इस नेकी की वजह से कोई शख्स, कोई दूसरा शख्स जिनको ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों वो भी राह रास्त पर आ जाए और आपसे रब्ता करके ये किताब वगैरह हासिल करे या आपसे असल हक़ाइक़ जान ले इन अहबाब के बारे में। इसके साथ ही प्यारे भाइयों खाखार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।